स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को आप एंड तक देखना। देखिए दोस्तों, ये वीडियो का ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को डिमोटिवेट करना, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ भाई। मैं आप लोग गलत सोच लेते हो वो अलग बात है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करूँ, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, ये मेन वीडियोज़ मेरा मेन वीडियो यही सब है, जो रिज़ल्ट रिलेटेड है, नोटिफिकेशन रिलेटेड है, वो सब छोड़ो। मेन मकसद यही होता है जब कैंडिडेट अप्लाई करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो मेन मुद्दा क्या होता है, तो इसी पर हम एक्चुअली ये चैनल मेरा यही मोटिव से मैंने बनाया चैनल, कि नॉर्थ ईस्ट को गाइड कर सकूं। क्योंकि बहुत सारा इशू आया है, पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते थे कि कैंडिडेट रिजेक्ट होते थे, ये होते थे, जो भी, तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला है ताकि आपको रियलिटी बता सकूं। क्योंकि बहुत लोग मेंस क्लियर कर लेते हैं फिर एलपीटी में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि एसबीआई, देखिए भाई बहन, आप लोगों को क्या बोलता हूँ मैं, एसबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे आईबीपीएस में मैंने क्या बोला, आप अप्लाई कीजिए कहीं भी स्टेट से अप्लाई कीजिए, एलपीटी में उतना इशू नहीं होगा, आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। लेकिन एसबीआई में ये केस नहीं है। अब आप ही सोचो, मैं झूठ मूठ का बोलूँ कि ठीक है अप्लाई कर दो आप। अब मान लो एलपीटी में आपने देखा होगा, आरटीआई बीच में अप्लाई हुआ था, बहुत सारे कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे। तो दोस्तों देखिए, मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ, मतलब रिस्की है नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में अब एक बात है, मैं वो बात फिर से आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे कोई स्टेट में बोला हूँ आपको, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश है, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा, मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को मैक्सिमम को इंग्लिश तो आता ही है, लेकिन बहुत को ये भी तो है, रियलिटी है ना। आप खुद से सोचो, इंग्लिश सब्जेक्ट है लेकिन उनको बोलने नहीं आता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप ही खुद से सोचो, इंग्लिश सब्जेक्ट है 10 और 12 में लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो आपको क्या लगता है, बताइए आप, आपको क्या लगता है, आपको लिया जाएगा? ठीक है, ले लेंगे, ले भी सकते हैं, वो किस्मत की बात है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन मेरे लॉजिक से हिसाब से, जैसा मैंने फेस किया, मैं देखा हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एक कैंडिडेट है जो पूरा फ्लो है इंग्लिश में, और दूसरा कैंडिडेट है उनका बोलने नहीं आता है, तो आप सोचो, खुद ही सोचो। अब ये आप बोलोगे कि दो पोस्ट है और एक कैंडिडेट को इंग्लिश नहीं आता, एक कैंडिडेट को इंग्लिश आता है, तो दोनों को ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई बहन। वो डिपेंड करता है, वो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। तो देखो, अब एक चीज़ है कि आप नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको दिमाग में ये होगा कि हाँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ भी आए सिचुएशन मैं हैंडल कर लूँगा। अब देखो, ये अलग बात है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो उसमें कुछ आपके ही कारण होगा रिजेक्ट होने का। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो वो अलग बात है यार, लेकिन ये सब होता है यार मेरे भाई बहन, ये सब होता है और होते रहेगा ये सब। तो इसलिए जो बोला जाता है, जैसे मिज़ोरम हो गया, बहुत लोग मिज़ोरम से अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज ही मिज़ो है यार, क्यों करते हो अप्लाई? तो मैं क्या कहूँ, बोलूँ अप्लाई कर दो, आपका मेंस के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, इसका हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं है, ये सब रियल बात नहीं है। आप ख्वाब में मत जियो यार, आप टर्मिनेट हो जाओगे मिज़ोरम से अगर अप्लाई करोगे तो। तो बहुत लोग मुझे कमेंट किए कि सर मिज़ोरम से अप्लाई कर दिया हूँ, मिज़ो कैसे सीखूँ? यार हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहकर नॉर्थ ईस्ट का जो लैंग्वेज है वो बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ एरर होता ही है। मैं भी शिलोंग से हूँ, मुझे खांसी आता है, बोल सकता हूँ लेकिन लिखने नहीं आता है ना, समझे कि नहीं, पढ़ भी लूँगा लिखने नहीं आता है, मतलब कुछ ना कुछ एरर होता है ना, तो हो सकता है मैं रिजेक्ट हो जाऊँ ना एलपीटी में। तो मतलब ये सब रियलिटी है भाई, आप लोग खुद से सोचो। कि मिज़ोरम में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जो यूपी से कुछ कैंडिडेट साउथ से हैं और जो अप्लाई किए मिज़ोरम में, तो आप सोचो, अभी भी टाइम है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खुद से सोचो आप कि एलपीटी मिज़ो है, आप कैसे दोगे यार? आप टॉपर हो जाओ ना, फिर भी आपको लगता है आपको लिया जाएगा। एसटी का मान लीजिए, जनरल का एक वैकेंसी है, ठीक है, जनरल का एक वैकेंसी है, तो उसको क्या किया जाएगा? आपको नहीं आता है तो वो एसटी को भी दे सकते हैं ना, कोई और कैंडिडेट को दे देंगे वो आपका पोस्ट, तो ये सब भी हो सकता है। तो आप ये सब बातें ना दिमाग में रखो यार, सच्चाई को जो है ना वो आप इग्नोर मत करो यार, आप लोग बहुत लोग इग्नोर कर रहे हो सच्चाई को। तो मैं इसलिए बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि
मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ध्यान रखें। और जो मेरा कहना था प्रीवियस टाइम, मैं फिर से कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई स्टेट है वहाँ पे 3 लैंग्वेज है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं लॉजिकली। अब आप ये बोलोगे कि मेरे पास इंग्लिश है और वहाँ पे 3 लैंग्वेज है तो मुझे लिया जाएगा। हाँ, लिया जा सकता है यार, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ नहीं लिया जाएगा, लेकिन रिस्क है ना, क्योंकि आप नहीं जानते जब अथॉरिटी पे आता है ना, जहाँ LPT आपका लिया जाएगा, उनके माइंड में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, वो मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझ रहे हो तो वही काफ़ी है समझने के लिए। अगर वो अथॉरिटी है, अगर एक कैंडिडेट है जिसको मान लीजिए 2 लैंग्वेज आता है और एक कैंडिडेट है 1 लैंग्वेज आता है, और सोचो वो अथॉरिटी है, उस पर डिपेंड भी करता है उसका वो कैसा माइंडसेट वाला है। सही इंसान है तो सही बात है, वो थोड़ा नेगेटिव सोचेगा तो आपको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। आप खुद से सोचो यार, अप्लाई करने को आप कोई भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद से सोचो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ कुछ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि क्यों नॉर्थ ईस्ट रिस्की होता है अप्लाई करने के, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं, बाद में LPT में रिजेक्ट खाते हैं, मेहनत सारा बर्बाद हो जाता है, कितनों का लास्ट अटेम्प्ट होता है उसमें बर्बाद ही हो जाता है। तो SBI है, बहुत ट्रिक है एज़ कम्पेयर टू IBPS। तो सोच समझ के रहो भाई बहन, और ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। जहाँ से भी अप्लाई किए हो आप, पॉजिटिव है आपके पास, पॉजिटिव मोटिवेशन है, पॉजिटिव थॉट है कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो प्रिपेयर करो यार, मेहनत करो, सिलेक्शन लो। हर जगह कंपटीशन है, नॉर्थ ईस्ट में भी कंपटीशन है यार, 80+ 70+ कट ऑफ एवरेज रहता है आजकल, आपको पता ही होगा। तो मैं भटका नहीं रहा हूँ, आप लोग नेगेटिव सोचते हो मेरे, मुझे वो अलग बात है, आप सोच सकते हो अलग बात है, क्योंकि मैं कुछ बात क्लियरली बोल देता हूँ इसलिए, लेकिन सही बोलता हूँ यार। आप नहीं समझोगे, जब आपके साथ होगा वो हादसा तो आपको खुद पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, मेरा ओपिनियन अगर सच में लेना चाहते हो, मुझे पता है बहुत लोग लेंगे, और रिस्क लेना है आपको, रिस्क लेना है, भले आप फेल हो जाओ, सिलेक्शन का चांस होगा, लेकिन याद रखना। तो वो कल मैं रात को 10 से 11 बजे के बीच में लाइव आऊँगा, आप आ जाना, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो होगा, अगर 11 बजे आया तो 11:15 तक मैं 15 या 11:30 तक कोशिश करूँगा लाइव रहने का, आधा घंटा, उसके बाद आधा घंटा आपके पास टाइम रहेगा। आप मेरा डिसीजन लेना चाहते हो तो वो रिस्क लेके आप अप्लाई कर देना वो स्टेट में। इतना मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, अपने मैंने जो एक्सपीरियंस जो भी गेन किया है प्रीवियस ईयर्स में, 6-7 साल में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके हिसाब से बेस्ट स्टेट ऑल ओवर इंडिया में मेरे लॉजिक से कौन सा रहेगा, आपको कल वीडियो मिलेगा। और जिनको भी ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा हेडेक है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करो, पर्सनल मैसेज करो, मैं पढ़ के आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो का मुद्दा मेन था कि आपको भटकाना नहीं, रियलिटी बताना, आपको जो सच्चाई है वही बताना, वो आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। मैं कोई बाहर का कैंडिडेट है, मैं उसको भटका नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ यार। और नॉर्थ ईस्ट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है मेरे भाई बहन। अगर कोई रहता है नॉर्थ ईस्ट में आपका, आप मान लो UP से हो या राजस्थान से हो, आप खुद पूछना नॉर्थ ईस्ट में कि कैसा है वहाँ का लाइफस्टाइल, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप जो सोच रहे हो ना, आपके आपके वहाँ जो लाइफ चलता है वो भी यही नॉर्थ ईस्ट में चलता है, नहीं चलता है यार, नहीं चलता है। आप यकीन करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं नॉर्थ ईस्ट पूरा स्टेट घूम चुका हूँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों, ये बात आप दिमाग में ठीक से रहना, अगर वीडियो इतना देखो तो आप समझ गए होगे, मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको अप्लाई करना है, मेघालय से अप्लाई करो, अरुणाचल से अप्लाई करो, मिजोरम से अप्लाई करो, नागालैंड से अप्लाई करो, जहाँ से करना है करो, लेकिन मेरी बात याद रखना, LPT में SBI में इशू होता है यार। तो मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं प्रीवियसली, आप उस पर गौर करना, ध्यान देना, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो मेरे भाई बहन, अगर इतना तक देखे तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, और ये चैनल मैंने बस इसी के लिए खोला है। वो जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ, रिजल्ट वो बस इसी व्यूज़ के लिए डालता हूँ यार,
समझे कि नहीं आप, जो भी IBPS PO रिजल्ट डेली डालता हूँ, डेली डालूँ या कभी भी डालूँ यार, बस व्यूज़ के लिए रहता है, ऐसे ही रहता है। मेन मुद्दा मेरा यही है नॉर्थ ईस्ट। मेरे भाई बहन जो भी हैं उनको डाउट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो लाइफ में जो भी सही, क्योंकि मैं जानता हूँ कितनों का लास्ट अटेम्प्ट होता है, वो बर्बाद हो जाते हैं यार। मैं नहीं चाहता आपको बर्बाद होते हुए देखना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हो सके अगर ये सच में देखे हैं तो आप कमेंट करना क्या मैं गलत कहाँ हूँ, तो आप कमेंट करना। गाली दे सकते हो, आप गाली देना है तो कोई मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आप खुद से सोचो, ठंड दिमाग से सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।